जीरो है। इसके अंदर भी हमको पॉइंट्स याद करना है, ये समझना है। बिना फ्लैश विंडो एक इसको की ओपनिंग होती है जो इमारत के अंदर इस्तेमाल होता है। विंडो की वजह से या विंडो इस्तेमाल करने की वजह से हमारे रूम के अंदर का लाइट, वेंटिलेशन, एयर सर्कुलेशन, बिल्डिंग की का बढ़ना और कमरे के अंदर की जो गर्मी होती है वो गर्मी को निकालने के लिए हम लोग जो है विंडो को इस्तेमाल करते हैं। विंडो जो है एक किस्म की ओपनिंग होती है जो इमारत के लिए सनलाइट, वेंटिलेशन, एयर सर्कुलेशन, इंक्रीजिंग रूम ऑफ उसके बाद बिल्डिंग की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम लोग बिल्डिंग के अंदर विंडो जो है इस्तेमाल। उसके बाद जो है विंडो बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्मों के जो है मटेरियल का इस्तेमाल विंडो बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। जनरली वुड, ग्लास, मेटल, एल्यूमिनियम ये तमाम मटेरियल जो है हम लोग विंडो जो है बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विंडो के जो लोकेशन विंडो जो है एक रूम के अंदर एक विंडो इस्तेमाल करने का और सेंटर में विंडो इस्तेमाल करने का लोकेशन और विंडो में पहला जो पॉइंट है विंडो एक रूम में एक विंडो इस्तेमाल करने का, रूम के सेंटर पर विंडो फिक्स करने का। अगर दो विंडो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एक रूम में दो विंडो इस्तेमाल करें तो इस तरीके से इस्तेमाल करने में फिर विंडो आमने सामने है, आमने सामने विंडो आने से हवा एक तरफ जाएगी और दूसरी तरफ से निकल जाएगी, एयर सर्कुलेशन से रूम का काम होगा। उसके बाद विंडो को हमेशा सिल लेवल पर फिक्स करना है। सिल लेवल जो होती है हमारी ये जो हमारा विंडो का सी लेवल और ये सी लेवल जो होता है वो मैक्सिमम 1 मीटर होता है। हमारे लोकेशन में विंडो सी लेवल जो होगी वो 80 से 1 मीटर तक की ऊंचाई पर विंडो फिक्स करती है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ विंडो फ्रेम हम जब देखें विंडो को फिक्स करने से पहले उसकी चौकट या उसकी फ्रेम जो है हम लोग कंस्ट्रक्शन के दौरान जब फिक्स करते हैं ये हमारे विंडो की फ्रेम है। ये विंडो की फ्रेम में दो हॉरिजॉन्टल विंडो है, दो हॉरिजॉन्टल विंडो, दो हॉरिजॉन्टल विंडो का ऊपरा ऊपरी जो हिस्सा होगा ऊपरी हॉरिजॉन्टल विंडो हेड कहलाएगा और निचला हॉरिजॉन्टल विंडो सी है। दो वर्टिकल विंडो होंगे जो क्लोज से कहलाएंगे। उसके बाद जो है विंडो फ्रेम को मजबूती से फिक्स करने के लिए आयरन होल स्पार्क इस्तेमाल किया जाएगा और मजबूती से फिक्स करने के लिए दो फ्रेम को जो हेड होगा या सील होगा उसको हम लोग 10 से 12 सेंटीमीटर के दीवार के अंदर प्रोजेक्ट करेंगे और दीवार में फिक्स करेंगे। तो हाफ आयरन होल पास की मदद से विंडो फ्रेम मजबूती से कंस्ट्रक्शन के अंदर फिक्स है। उसके बाद इसके अंदर चारों तरफ जो फ्रेम के अंदर रेली बनाए हैं, रेली बनाने से उसका जो फ्रेम होती है लीव जो होती है वो आसानी के साथ खुलती और बंद होती। इस तरीके से एक डोर फ्रेम जो हम लोग बिल्डिंग के अंदर जो पहले इस्तेमाल करेंगे बाद में फिर मुख्तलिफ किस्म की लीव में इस्तेमाल। उसके बाद में हर बिल्डिंग का विंडो का जो एरिया होता है वो अलायदा है, विंडो का जो एरिया होता है वो अलायदा है। हमने दो एरिया याद रखे हैं कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग में एरिया ऑफ विंडोज कितना हो तो जनरली उसका फार्मूला है एरिया ऑफ विंडोज इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज 1/10 ऑफ द फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया जितना होगा उससे 1/10 हिस्से के ऊपर या 1/10 एक जो एरिया होगा उसके एरिया के ऊपर जो हम लोग विंडो ओपनिंग या बनाएंगे या विंडो फिक्स होंगे। उसके बाद पब्लिक बिल्डिंग लाइक एस कॉलेज, सिनेमा, हॉस्पिटल जहाँ पर ज़्यादा वेंटिलेशन या ज़्यादा एयर सर्कुलेशन की जरूरत पड़ती है वैसे मुकाम पर 1 फीट ऑफ द फ्लोर एरिया यानी फ्लोर एरिया का एक बड़े 15वां हिस्सा हम लोग विंडो के लिए। इसके साथ साथ विंडो फिक्स करने के लिए हम लोग हिंज है, उसके बाद बोल्ट है, उसके बाद लॉक है, उसके बाद जो हैंडल है ये तमाम चीज़ें जो फिक्सर एंड फास्टनिंग के तौर पे हम लोग विंडो और डोर को चौकट में फिक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मुख्तलिफ किस्मों की विंडो है जो जनरली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर जो इस्तेमाल होती है। आजकल के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एल्यूमिनियम या स्लाइडिंग विंडो जो इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो टाइप्स ऑफ विंडोज है वो हम लोग चार चार या दो दो चार चार करके हर एक लेसन के अंदर हर डेमोंस्ट्रेशन के अंदर जो उसको पढ़ेंगे, है ना।
के लिए तुम्हारा जितना टॉपिक है वो सफिशियंट है। अब इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो तुम्हारे पास सेलेक्ट करना, ठीक है।